हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज लाई हूँ कुछ स्नैक्स जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इस कप से 2 कप भर के मैदा लिए हैं। आप कोई भी कप से मैदा ले सकते हैं। वो उसके बाद में थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, अपने स्वाद के हिसाब से। जितना आप मैदा लें उसके हिसाब से आप डालिएगा। और थोड़ा सा अजवाइन, वो हम हाथ में थोड़ा रखेंगे, उसके बाद रब करेंगे और उसके अंदर डाल देना है हमें मैदे के अंदर। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल डाल देना है, उसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। एक अच्छा सा डो बन जाना चाहिए। इस तरीके से हम पकड़े और उसे तोड़ दें तो टूट जाए फटाक से। हाँ, तो ये अच्छे तरीके से सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे तरीके से गूंद लेते हैं। और ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, और थोड़ा ना ज़्यादा लूज़ रहे ना ज़्यादा टाइट, एकदम नॉर्मल सा डो हमें बना लेना है। बस डो को हम बना के साइड में रख दिए। और ये हमारा आलू जो हम उसके अंदर डालेंगे। अब उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें लेने हैं, कोथमीर लेना है थोड़ा सा, मतलब धनिया पत्ता, नमक अपने स्वाद के हिसाब से, ज़ीरा और मिर्ची और हल्दी थोड़ा सा। अब इसके अंदर हमें डाल के सब चीज़ें मिक्स कर देना है। अब ऐसे ही अच्छे तरीके से हमें डो बना लेना है। अभी डो साइड में रख के इसके बाद हमें थोड़ा सा तेल लेना है, हमें हाथ पे लगाना है ताकि जब ये इसका हम रोल बनाएं तो चिपके ना। तो हम तेल लगा के इस तरीके से, उसके बाद इसे थोड़ा सा निकाल के हम हाथ पे रख के दोनों हाथों से इसे हमें थोड़ा ऐसे गोल करना है। उसके बाद जो साइड का एरिया रहे उसे हमें थोड़ा सा दबा देना है। और अच्छा सा इसको जिस हिसाब से आप बड़ा छोटा बना सकते हैं उस हिसाब से बनाइएगा। तो देखिए ये अच्छी तरीके से बन गया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं और इसी तरीके से बहुत सारा बना लेते हैं। तो अब जो हमारे ये डो हम जो भून के रखे थे अच्छी तरीके से, इसे हमें निकाल के मार्बल पे अच्छे से इसे हमें मरन लेना है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सॉफ्ट कर लेना है इसे। उसके बाद हमें इसे काट लेना है 4-5 पीस में, जिस हिसाब से आपका आटा रहेगा उस हिसाब से वो पीस बनेगा। उसके बाद में थोड़ा सा जिसे हम रोटी नॉर्मल बेलते हैं उस तरीके से थोड़ा सा मैदा लगा के और हमें ये डो को इसी के ऊपर रख के तो दबा के उसके बाद बेलन के सहायता से इसे अच्छे से गोल कर लेना है। गोल लंबा थोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो भी चलेगा, कि हमें कट करके निकाल देना है साइड का एरिया। तो देखिए अच्छा सा ये बड़ा सा बन गया है। और पतला भी इसे हमें रखना है, बहुत ज़्यादा ना मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला ही। अब इसे हम काट लेंगे, जो हमारा डो है कितना लंबा है उस हिसाब से उसे रख के, और वो चौड़ा ही उतना ही रखना है हमें, बहुत ज़्यादा ना चौड़ा ना बहुत ज़्यादा पतला ही। और उसे हम काट लेंगे, आपका 3-4 पीस जिसे बने उस हिसाब से काटिएगा। अब ये शीट फिक्स करने के लिए हमें थोड़ा सा मैदा लेना है और थोड़ा पानी, इसको अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा बैटर बना लेना है ताकि वो हमें फिक्स कर सकें उस शीट को। और इसी तरीके से हमें रोल करना है। देखिए हम पहले आलू को उस पर रखें शीट पे, उसके बाद में इसे हमें रोल करते जाना है। ये जो मैदा है इसे हम लगा लेंगे, जो हम बैटर बनाए थे वो लगा के इसके बाद मिक्स कर देंगे, इसे चिपका देंगे। तो देखिए कितना अच्छे से ये बन गया है। अभी जितना भी शीट है हम इसे बना के सब ऐसे ही रेडी कर लेंगे। इसको भी सेम उसी तरीके से करेंगे, लपेटेंगे, उसके बाद लगाएंगे थोड़ा सा मैदा, उसके बाद इसको भी चिपका लेना है। तो देखिए बहुत सारा ये रेडी हो गया है। तो हमने तेल गरम करने रख दिया है, अब इसमें हम उठा के ये रोल डाल देंगे। और बहुत जल्द, जब आपका थोड़ा स्टार्टिंग में फास्ट करिएगा उसके बाद में इसको मीडियम फ्लेम पर करके आप ये तलिएगा। तो हमने सभी को इस तरीके से डाल देना है।
और जब ये अच्छी तरीके से नीचे से ब्राउन हो जाए तो आप इसे पलटी कर दीजिएगा, बार बार इसे घुमा घुमा के अच्छे से कर दीजिएगा, सब साइड से ये भी ब्राउन ऐसे सेम आ जाए कलर। तो ये देखिए हम सब पलटी कर दिए हैं। अब ये सब साइड से अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुका है तो अब इसे हम निकाल लेंगे। अब ये सब निकाल ली हूँ मैं। अब दूसरा भी जो सब हमने बना के रखा जितना है वो भी सब डाल देंगे इसी के अंदर, ठीक है। जितना भी हमारा रहेगा उतना ऐसे ही बना लेंगे। अब दूसरा ट्री भी हमारा हो गया, अब इसे भी हम निकाल लेंगे। तो अब हमारा रोल तैयार है, देखिए। अब इसे आप शेजवान चटनी के साथ या सॉस के साथ या मेयोनीज के साथ, आप कोई भी चटनी के साथ अब इसे सर्व करिए, या ग्रीन चटनी के साथ, टमाटर की चटनी, जो आप चटनी खाना पसंद करें इसके साथ वो चटनी के साथ खाना ये आप खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी है। आप ये चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, कोई मेहमान आ गए या फिर घर में ही ऐसे नॉर्मल खाने के लिए आप चाय के साथ खाना पसंद करें या फिर वैसे भी खा सकते हैं बना के। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक लिए खुश है, आबाद रहे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।